आज माशाल्लाह वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? दुनिया में क्या किस तरह देख रही है वो पुलिस? वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर, आपको याद होगा, छोटे छोटे, उनका वो मतलब उनकी ख्वाहिश होती है तो कोई एयरफोर्स यूनिफॉर्म में, कोई फौजी यूनिफॉर्म में। आज माशाल्लाह वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? दुनिया में क्या किस तरह देख रही है? ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट, ना इन्फ्लेशन पे बात, ना प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे बात, ना किसी और चीज पे बात। हम लोग यहाँ अवाम के मसाइल उठाने के लिए आए हैं। अवाम का मसाइल सर, हम लोग यहाँ पे आपस में बात करेंगे, पर एग्जेक्टिव जिस तरह भी है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी, ये बिसाखियों पे हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 की, इनका काम है ये आंसर करें। कहाँ पे है सर ये? अभी देख लें, 4 बजे का टाइम था, 35 मिनट हो गए हैं जनाब स्पीकर, मुझे बता दें यहाँ पे कहाँ पे है वजीर? हु इज आंसरेबल? वजीर आजम यहाँ पे फॉर्म 47 का वजीर आजम जनाब स्पीकर, उस दिन से मेरी मर्जी यहाँ पे इनको सर जरा एटिकेट्स बता दें, पार्लियामेंट्री एटिकेट्स। इनको पार्लियामेंट्री एटिकेट्स का भी नहीं पता सर, एक क्लास लगा दें इनको, इनको पार्लियामेंट्री एटिकेट्स नहीं मालूम। तशरीफ रखें, आपको मौका मिलेगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोल रहे हैं, तशरीफ। यहाँ पे सर प्राइम मिनिस्टर, जो मैं कहूंगा कि वो रेंट अप प्राइम मिनिस्टर, ये कुर्सी पे कर ले फॉर रेंट, इधर रेंटल प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा सर, यहां पे रेंटल प्राइम मिनिस्टर आ जाए सर। सिर्फ हलफ उठाया, उसके बाद तकरीर की, उस पर इतनी जरूरत नहीं थी कि इसी जगह से जो मैं उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था वो तकरीर सुन लेता, कोई काम की बात वो करता, वो सुनना नहीं चाहते। वो कहते जी बिजली चोरी के पीछे लगे, वो भाई कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है, आप लोगों की वजह से गलत मुआहदे हुए, आज बिजली का रेट 85 रुपए यूनिट और 100 पे टच कर रहा है, आपका गैस का रेट 4 गुना 400% इंक्रीज। ये कहते हैं जी कि यहां पे वजीर मिनिस्ट्री पेट्रोलियम की फाइल तो पढ़ दी, पर थोड़ी बहुत हमें भी मालूम, IMF के साथ मुआहदा किया हुआ 870 अरब रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का इन्होंने साइन किया हुआ है, और सोने पे सुहागा उसको 100 अरब रुपए मजीद कर दिया PDL में। वो कहां से आया सर? जनाब स्पीकर, वो अवाम की जेब से जाएगा, 970 अरब रुपए का टीका ये हुकूमत लगा रही है लोगों को। लोगों, ये ऐसी तो मैंने नहीं कहा, हम लोग इनको क्या कहते हैं, जेब कुतरों की हुकूमत, जेब तराशों की हुकूमत। सारे सारे लोग अपनी जेबें जो है यहाँ पे अपनी जेबें संभालें, क्योंकि आके इन्होंने अवाम की जेबों पर डाका डालना है। जनाब स्पीकर, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है, लाकानूनियत ज्यादा हो रही है, इस ये क्या है, इस पे सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही है मुल्क में। मैं कल अपने हलके में गया हुआ था, मेरे गांव का एक साथी, एक लड़का शहीद हुआ है बटग्राम में, आके फजर के टाइम पे लोगों ने उस पर फायरिंग करके उसको शहीद कर दिया, सीपैक रूट के प्रोटेक्शन के लिए था। ये हो क्या रहा है सर? जनाब स्पीकर, दिस इज नॉट ऑन। जनाब स्पीकर, आपकी तरफ से आपका हमें मालूम है, आप रूलिंग दें कि यहाँ पे जनाब स्पीकर मिनिस्टर्स मौजूद होने चाहिए या नहीं मौजूद, तो फिर अपनी तनख्वाहें, अपने दफातर के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस खत्म करें, रिजाइन करें, और किसी और को मौका दें, ये पीछे बैक बेंचर जो बैठे हुए हैं इनकी पार्टी के, उनको मौका दें कि वो सामने आए। बहुत शुक्रिया।